हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम इस प्लांट एनाटॉमी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे डिस्कस करते हैं। अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर 6 में, जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसमें हमने टिश्यू को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने इस मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ को, फिर परमानेंट टिश्यू को, मेरिस्टमैटिक के उसके लोकेशंस के बेसिस पर ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद हमने परमानेंट को भी डिस्कस किया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हमने इसके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी डिस्कस किए हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमने इसके वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया है। टिश्यू सिस्टम में हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया है। इस स्टोमाटा भी डिस्कस किया है, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो चुका है और आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो चुका है। तो अब तक हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। इसके वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप एनाटॉमी को पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि आप इस एनाटॉमी को स्टार्टिंग से पढ़ें। अगर बीच बीच में आप पढ़ेंगे तो आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी आपको। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से पढ़ें। नाउ आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अब एनाटॉमी ऑफ, यानी कि अब इनके ऑर्गन की एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हम करने वाले हैं रूट वाले पार्ट को। रूट की एनाटॉमी हम देखेंगे। अब रूट तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में है, तो डाइकॉट की रूट को भी डिस्कस करेंगे और मोनोकॉट रूट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर डाइकॉट रूट में एनसीईआरटी क्या कहती है। डाइकॉट रूट यानी कि डाइकॉटिलेडनस रूट। डाइकॉट रूट कहने का मतलब ये इन किसकी बात हो रही है, दो कॉटिलेडन वाले रूट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि डाइकॉट, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, डाइकॉट किसे कहते हैं। डाई मीन्स टू और कॉट मीन्स कॉटिलेडन। कॉटिलेडन इसका मतलब इसके पास कितने कॉटिलेडन्स हैं, टू है। ठीक है, जैसे कि आपकी जितनी भी दालें हैं, मूंगफली है, राजमा है, चना है, मटर है। ठीक है, अच्छा उसके हम रूट की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। अब अगर हम रूट की एनाटॉमी पढ़ें तो यहाँ पर देखें, इसका मतलब उसमें हमने कौन सा पार्ट करना है, हमें टीएस लेना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन लेना पड़ेगा, तभी हम इसकी एनाटॉमी प्रॉपर हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसके टीएस को लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं रूट का, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सनफ्लावर रूट। इसका मतलब एनसीईआरटी आपको एक तरह से बताना चाहती है कि सनफ्लावर क्या है, सनफ्लावर एक डाइकॉट है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी किसका लेती है, एग्जाम्पल ले रही है सनफ्लावर का, सनफ्लावर का, यानी कि सनफ्लावर क्या है, सनफ्लावर एक डाइकॉट है। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल्स लिए गए हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम्पल लिए गए हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बेशक पूछे जाएंगे। अब द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज, यानी कि डाइकॉट रूट में इंटरनल यानी कि उसकी एनाटॉमी कैसी होती है। सबसे पहला पॉइंट, द आउटर मोस्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। अब देखिए यहां पर आउटर डर्मिस क्या, आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, उसके बाद मेनी ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड, प्रोट्रूड का मतलब इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसके लिए ना हम आपको इस डायग्राम में आपको बताते हैं, क्योंकि साथ के साथ अगर आपको पहले से डायग्राम बनी होती है ना तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसके साथ कोई डायग्राम बनाता चले तो आपको इजीली समझ में आता है। देखिए यहाँ पर ये एपिडर्मिस, ठीक, अगर हम देखें कि ये एपिडर्मिस है, अब यही एपिडर्मल का सेल का लेयर अगर प्रोट्रूड करे, मतलब आगे की तरफ ग्रोथ इसकी हो जाए, ठीक है, यानी यही एपिडर्मिस सेल अब क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ ग्रोथ हो जा रही है इनकी। अब इन्हीं को आप क्या कहते हो, इन्हीं को आप कह रहे हो कि ये रूट हेयर है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, इसी को ये क्या कह रही है, ये रूट हेयर है। अब रूट हेयर से एक चीज आपको, यानी कि रूट हेयर हुआ क्या, एपिडर्मिस का आउटग्रोथ है। रूट हेयर क्या है, एपिडर्मिस का आउटग्रोथ है। लिख लें इसे, इसको लिख लेते हैं रूट हेयर। सबसे पहली चीज ये होगा क्या, ये यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगा, और ये क्या है, एपिडर्मिस, ये लेयर है ना एपिडर्मिस, इसी का आउटग्रोथ है। ठीक, देख पा रहे हैं आप, ये एपिडर्मिस का आउटग्रोथ। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। मेनी ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। ये पॉइंट बहुत याद करना जरूरी है कि जो रूट हेयर होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, क्योंकि स्टेम में जो हेयर्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर जनरली होते हैं, वो हम देखेंगे। नाउ द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेस। अब कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, कॉर्टेक्स मतलब इस वाली लेयर की बात कर रहे हैं, ये कॉर्टेक्स, यानी कि जो आपका एपिडर्मल सेल था, एपिडर्मल सेल के नीचे, ठीक है, ये कौन सा एरिया है,
यहाँ पर कॉर्टेक्स सेल बने हुए हैं, देख पा रहे हैं आप, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। साथ के साथ आपको ड्रॉ करके समझा रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये कॉर्टेक्स सेल्स जो है ये किस टाइप के सेल से बने हुए हैं, तो इन लेयर को आपने बोला ये कॉर्टेक्स है, ठीक। किससे बना हुआ है, ये पैरेन्काइमा सेल से बने हुए हैं, यानी कि ये पैरेन्काइमेटस है, पैरेन्काइमा सेल से बने हुए हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है, देख पा रहे हैं आप, ये इंटरसेलुलर स्पेस भी है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। ये देखिए, ये एंडोडर्मिस है। अब एंडोडर्मिस के लिए एनसीईआरटी क्या कहती है, एंडोडर्मिस के लिए एनसीईआरटी कहती है कि ये इनर मोस्ट लेयर है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें एंडोडर्मिस को, तो कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो लेयर है इसको आप क्या कह रहे हैं, इसको आपने बोला एंडोडर्मिस, ठीक। हम मैं थोड़ी सी पार्ट बना रही हूँ, आप ये पूरा का पूरा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये कौन सा लेयर हुआ, इसको आपने कहा एंडोडर्मिस। तो आपने इसको कहा कि एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंडोडर्मिस इज, तो एंडोडर्मिस जो है ये कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स क्या होता है, एंडोडर्मिस, यानी कि कॉर्टेक्स को अगर हम देखना शुरू करें तो यहां से शुरू हुई और एंडोडर्मिस तक जाकर ये खत्म होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं नेक्स्ट। इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, यानी कि एंडोडर्मिस जो है इनके सेल का जो शेप कैसा होता है, ठीक है। एंडोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एंडोडर्मिस की बात करें, ठीक है, तो एंडोडर्मिस में जो पॉइंट्स आते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज एंडोडर्मिस, ठीक, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या कहेंगे कि इसका ये सिंगल लेयर्ड होता है, यानी कि मल्टीपल लेयर नहीं होते, सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर होगा, ठीक। उसके बाद इसके सेल की शेप कैसी होती है, बैरल शेप्ड, बैरल शेप्ड। अब आप कहेंगे मैम बैरल शेप्ड कैसा होता है, है ना, बैरल शेप्ड लगता कैसा है, ओवल जानते हैं, सिलेंड्रिकल पता है, बैरल शेप्ड कैसा लगता है। ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये और ये दोनों एक बराबर हो गए, और इसके कनेक्शन करने के लिए रेक्टेंगल जैसा बनाना है, लेकिन बीच में थोड़ा सा इसको स्वेल कर देना है, बीच में आपको थोड़ा सा स्वेल कर देना है। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा हो गया, इसको आप बोलते हैं बैरल शेप। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए, क्या इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस था, एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, बट उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, तो कोई भी स्पेस नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ पॉइंट एक नेक्स्ट लिख सकते हैं, विदाउट नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी। आप साथ के साथ अगर नोट बनाएंगे ना, तो आपको चीजें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे, ठीक है, एग्जाम में आपको मदद भी मिलेगी। दी ट्रांजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबिरिन इन फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब यहां से लेकर इतने लंबे लाइन तक इसने क्या कहा, इसने ये कहा है कि अगर आप एंडोडर्मिस को देखें, यानी कि अगर हम एंडोडर्मिस को देख रहे हैं, यहाँ पर चलते हैं एंडोडर्मिस को देखने, ठीक है, एंडोडर्मिस की यहाँ पर, तो इसमें किसी किसी एंडोडर्मिस में आप देखोगे कि सुबिरिन के डिपोजिशन है। और ये सुबिरिन के डिपोजिशन होती कैसे है, जैसे ये हो गया रेडियल, ठीक है, ये क्या हो गया रेडियल, ठीक, उसके बाद और ये हो गया टेंजेंशियल, यानी कि ये रेडियल और टेंजेंशियल दोनों तरीके से प्रेजेंट होता है। एक ब्लैंक स्लाइड पर आपको दिखाते हैं, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहली चीज आपने बोला क्या, आपने ये बोला कि ये एंडोडर्मिस के सेल है, ठीक है, आपने ये बोला कि ये एंडोडर्मिस के सेल है, ठीक, ये एंडोडर्मल का लेयर है, आपने इसको शेप बना दिया है बैरल शेप, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये कैसे होंगे, ये कंटिन्यूअस होंगे, मतलब इसमें नेट इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए,
एनाटॉमी को ना थोड़ा सा पेशेंसली अगर आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर आप ये सोचेंगे ना हड़बड़ में बहुत जल्दी कर लें तो फिर आपको क्लियर चीज़ें नहीं होंगी। अब ये होगा कौन सा लेयर, एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये जो एंडोडर्मिस का लेयर है, एंडोडर्मिस, ठीक, इसको आपने बोला कि इसका शेप कैसा है, बैरल शेप, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ वो देखिए, सुबिरिन का डिपोजिशन, सुबिरिन का डिपोजिशन कैसे है, रेडियल भी है और टेंजेंशियल भी है, ठीक है, रेडियल भी है और टेंजेंशियल भी है। अब जैसे मान लीजिए इसमें है, ठीक है, और यहाँ पर भी मान लीजिए सुबिरिन का डिपोजिशन है, इधर भी सुबिरिन का डिपोजिशन है, मान लीजिए यहाँ पर भी सुबिरिन का डिपोजिशन है, ठीक। तो एक्चुअली ये क्यों है, अब जहाँ पर ये सुबिरिन के डिपोजिशन है, किसके डिपोजिशन है, सुबिरिन, ठीक, किस तरीके से डिपोजिट है ये, तो रेडियल भी है प्लस टेंजेंशियल भी है। और रेडियल एंड टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है ये हमने अभी आपको बताया। अब जिस जिस एंडोडर्मिस में सुबिरिन का डिपोजिशन होगा उस एंडोडर्मिस को आप कहेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। यानी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिफिनेशन क्या हो गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर दोज एंडोडर्मल सेल्स विच आर हैविंग सुबिरिन डिपोजिशन। अब ये जो सुबिरिन है, इस सुबिरिन की नेचर क्या होती है, सुबिरिन जो होता है ये वॉटर, ये वैक्सी डिपोजिशन होता है, वैक्सी। अब वैक्सी है तो जानते हैं आप ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि इम्परमिएबल फॉर वाटर, वाटर की एंट्री को क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, इम्परमिएबल फॉर वाटर, वाटर की एंट्री को ये क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। अब वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करेगा तो आप यहां देखिए इस कहानी में जरा सा ट्विस्ट है आपको दिखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि आपके लिए एक दूसरा भी डायग्राम है यहाँ पर ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं, यहाँ चलते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो इसने क्या किया था, इसने वाटर को लेकर आया था, है ना, वाटर ये लेकर आया था। तो अगर आप देखें वाटर इसने रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया H2O, अब ये यहाँ कॉर्टेक्स से होता हुआ ये आया, ठीक है। अब इस वाटर को मान लीजिए यहाँ एंडोडर्मिस सेल है ना, यानी कि अगर ये वाटर आ रहा है और जहाँ इसको एंडोडर्मिस सेल मिला, अब वो तो इसको रोक देगा, उसके थ्रू तो वाटर की एंट्री हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो वहां से वाटर की एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये जो वाटर है जहां से इंटर कर पाएंगे, जहां की कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, यानी कि ये वाटर इस जगह से कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कहां से क्रॉस करेंगे, जैसे कि ये इस साइड से क्रॉस कर सकते हैं, यहां से क्रॉस कर सकते हैं, यहां से क्रॉस कर सकते हैं, है ना। तो जो एंडोडर्मल का सेल जिसमें सुबिरिन का डिपोजिशन नहीं है, जो अलाउ कर रहे हैं वाटर की एंट्री को अंदर, उनको आप कहेंगे पैसेज सेल्स, यानी कि ये सेल को क्या कहेंगे, पैसेज सेल। यानी कि पैसेज सेल क्या हो गया, पैसेज सेल्स आर दोज एंडोडर्मल सेल्स व्हिच डू नॉट हैव सुबिरिन डिपोजिशन व्हिच आर अलाउइंग द एंट्री ऑफ द वाटर। जो वाटर को पास करने दे रहे हैं उनको आप बोलेंगे पैसेज सेल, जो नहीं करने दे रहे हैं वो कैस्पेरियन। क्यों, क्योंकि उनके पास सुबिरिन डिपोजिशन है और सुबिरिन एक वैक्सी डिपोजिशन होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए, नहीं तो चारों तरफ से वाटर बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, तो एक तरह से चेक पॉइंट की तरह काम करता है ये सुबिरिन। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी एंडोडर्मिस वाली, ठीक है। तो एंडोडर्मिस से आपने यहाँ पर यहाँ तक देख लिया कैस्पेरियन स्ट्रिप तक। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल रिफर टू एज पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल, अब एंडोडर्मिस के नीचे देखिए पेरिसाइकिल, इसका नाम पेरिसाइकिल क्यों है, इसका नाम पेरिसाइकिल इसलिए है क्योंकि ये अंदर की तरफ बिल्कुल पेरिफेरल में पूरा साइक्लिक ऑर्डर में होगा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये अंदर क्या होगा, पूरे पेरिसाइकिल। एक बार आप इसको छोटे छोटे पीसेस में समझ लें सारे कॉन्सेप्ट को, फिर हम एक बार आपको फ्रेश डायग्राम बनाकर समझाएंगे, ठीक है। एक बार छोटे छोटे टुकड़ों में समझ लें कि रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, उसको समझ लिया, एंडोडर्मिस को समझ लिया, पेरिसाइकिल को समझ लेंगे, फिर वन गो में एक पूरा डायग्राम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो इसके एंडोडर्मिस के अंदर है, इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला पेरिसाइकिल, ठीक। इसका नेचर कैसा था, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है, ये ठीक है, यहाँ से लैटरल रूट्स निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटरल रूट्स यहीं से निकलते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखती है एनसीईआरटी। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स, मतलब कि आपका पेरिसाइकिल सेल, देख रहे हैं आप, लैटरल रूट्स लिखा हुआ ना यहाँ पर, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स, चलिए इंपॉर्टेंट है। पिथ,
पित कहाँ होगा होगा आपको ये जो अंदर का जो रीजन है ना इसको आप कहते हैं पित, ठीक है। द पित इज ए स्मॉल और इनकॉन्सिपिकुअस, पित जो होता है डाइकॉट के केस में, डाइकॉट रूट में पित बहुत ही छोटा होगा, बिल्कुल या तो नेग्लिजिबल होगा। इनकॉन्सिपिकुअस मतलब एक तरह से आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इतना छोटा अगर होगा तो बहुत ही स्मॉल, नहीं तो बिल्कुल नेग्लिजिबल। द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आएंगे उनको बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू। जैसा बोला है आपको फिर से एक बार डायग्राम जरूर बताएंगे। देर आर यूजुअली टू और फोर जाइलम्स एंड फ्लोएम पैचेस, और इसी को हम क्यों बोलते हैं डायार टू टेट्रार्क कंडीशन होगा, ठीक है। जबकि मोनोकॉट में इसमें डिफरेंस देखेंगे, वहां पर बहुत सारे वैस्कुलर बंडल होंगे। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ चार दिख रहे हैं, एक यहाँ पर जाइलम पूरा, जाइलम जाइलम जाइलम, और यहाँ पर आपको फ्लोएम दिख जाएंगे। तो वैस्कुलर बंडल हैं कितने, चार, एक जाइलम एक फ्लोएम को मिलाकर वैस्कुलर बंडल कहलाता है, तो ये चार है, ठीक है। तो दो से चार हो सकते हैं, इसको आप डायड या टेट्रार्क कंडीशन बोलते हैं। डायड मतलब टू, टेट्रा मतलब फोर, लेकिन मोनोकॉट के केस में पॉलीआर्क कंडीशन होता है, मतलब बहुत सारे होंगे। देखेंगे अभी हम मोनोकॉट के केस में, देख पा रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6, मोर देन 6 है ना, तो ये पॉलीआर्क कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है लेटरल लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड। देखिए कहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए लेटर यानी कि बाद में, अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। अब इसका क्या मतलब है, एनसीईआरटी क्या कहती है, ये देखिए इसका डायग्राम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इससे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि सबसे पहली चीज ये यूनिसेलर है, यानी कि ये क्या है, ये आपने देखा ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ठीक। रूट हेयर कैसा है, रूट हेयर आपने कहा कि ये यूनिसेलर है, ठीक। इसका एक कॉपी बनाकर आपको रखते हैं, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर आपने कहा कि रूट हेयर यूनिसेलर है, ठीक। किसका एक्सटेंशन है, एपिडर्मिस का, ये आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। कॉर्टेक्स आपने बोला, कॉर्टेक्स भी किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल से, ये भी पैरेन्काइमा सेल से बनता है, पैरेन्काइमा से, ठीक है। एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, ठीक ठीक है। उसके बाद आपने इसके नीचे आपने कौन सी लेयर कही है, आपने कहा कि ये कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, इसके नीचे यानी कि एंडोडर्मिस के नीचे क्या है, पेरिसाइकिल है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल एंडोडर्मिस, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये पेरिसाइकिल बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल है। तो पेरिसाइकिल आपने यहाँ देखा कि ये पेरिसाइकिल हो गई, पेरिसाइकिल को आपने क्या कहा कि ये भी पैरेन्काइमेटस है, ये भी पैरेन्काइमा का बना हुआ है। दूसरा, ये जो पेरिसाइकिल है इसी से क्या निकलते हैं, इसी से लैटरल रूट्स निकलेंगे, लैटरल रूट्स निकलेंगे, और इसी से क्या होगा, कैम्बियम निकलेगा, कैम्बियम बनेगा, ठीक है, कैम्बियम, यही कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या देख ध्यान देना है, यहाँ पर पिथ, पिथ कैसा है, पिथ बहुत ही स्मॉल होगा या तो इनकॉन्सपियस होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देना है कि ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं इसके पास, वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो ये कितने होंगे, दो या चार, यानी कि डायार्ड डायार्क से टेट्रार्क कंडीशन, टेट्रा मीन्स फोर, टेट्रार्क कंडीशन, क्योंकि यही मोनोकॉट में पॉलीआर्क कंडीशन हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप इसके प्रोटोजाइलम को देखें, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन कहते हैं, प्रोटोजाइलम कहाँ है, अंदर की तरफ, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, एंडार्क, इनर साइड है ना, तो एंडार्क पहली चीज, यानी प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द इनर साइड। भाई प्रोटो अंदर है तो ऑब्वियसली बात है मेटा बाहर हो जाएगा, मेटा टुवर्ड्स पेरिफेरी हो गया। चलिए, फ्लोएम कहाँ है, जाइलम एंड फ्लोएम के, यानी एक जाइलम, तो जाइलम की एक रेडियस है, फ्लोएम दूसरे रेडियस में है, जाइलम अलग रेडियस में, फ्लोएम अलग रेडियस में, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट, यानी कि जाइलम जिस रेडियस में है उसमें फ्लोएम नहीं आएगा, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हमने क्या बोला था, रेडियल अरेंजमेंट, ठीक। अच्छा, काउंटिंग आपने देखा,
यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्लोएम मिल रहे हैं, है ना। जाइलम के बीच में आपको क्या मिल रहा है, फ्लोएम। अब बात आती है इसके, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी हुई है, आपको ध्यान देना है कहाँ पर, तो फ्लोएम के आपको ऊपर ध्यान देना है ना, यानी कि फ्लोएम के ऊपर। और ये कौन से सेल्स आएंगे, ये आएंगे आपके पेरिसाइकिल वाले, तो फ्लोएम के ऊपर और प्रोटोजाइलम के नीचे, ठीक। फ्लोएम के ऊपर, प्रोटोजाइलम के नीचे, फ्लोएम के ऊपर, प्रोटोजाइलम के नीचे, फ्लोएम के ऊपर, फिर प्रोटोजाइलम के नीचे, ठीक। और आपने एक चीज बोला था, आपने बोला था कि जो जाइलम और फ्लोएम, यानी कि जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो टिश्यूज आएंगे, उनको आपने क्या बोला था, उनको आपने बोला था कंजक्टिव टिश्यू, बोला था ना, कंजक्टिव टिश्यू। अब इसमें भी तो कंजक्टिव टिश्यू आएंगे जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आएंगे, यानी कि कौन से वो आएंगे टिश्यू। अब ये देखिए, अब ये जो टिश्यू है जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में है, ये टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में है, ठीक है, ये भी बीच में है, ये भी आ रहे हैं बीच में, इनको आपने क्या बोला, इनको आपने बोला कंजक्टिव टिश्यू। अब ध्यान से देखिए, ये कंजक्टिव टिश्यू, और इनको जब आप एक साथ मिला दे रहे हैं तो ये बन क्या रहा है, अगर आप देखें तो ये एक तरह से एक वेवी रिंग बन गई, देख पा रहे हैं आप, वेवी रिंग बन रही है, देख पा रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इसे बहुत ध्यान से देखिए, देखिए ये कैसी हो गई, एक वेवी रिंग हो गई, ठीक। यही वेवी रिंग बन जाएगी जिसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, इसमें कंट्रीब्यूशन है प्रोटोजाइलम जो कि फ्लोएम के ऊपर है, जो कि पेरिसाइकिल के पार्ट्स हैं, प्रोटोजाइलम कह रहे हैं आपको, फ्लोएम के ऊपर जो हिस्से हैं पेरिसाइकिल का वो, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजाइलम के नीचे जो सेल्स हैं वो, उसके बाद जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच के जो सेल्स हैं वो, यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा तीन तरह के सेल्स, सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल, सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल, ठीक है, सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल, यहां देख पा रहे हैं आप पेरिसाइकिल, ठीक है, विच लाइज अबव जाइलम, कौन से पार्ट, अबव आपके फ्लोएम, अबव फ्लोएम। दूसरा आपका कौन सा पार्ट है, दूसरा है सेल्स, ठीक है, लाई बिलो बिलो प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और तीसरा क्या था, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव क्या था, जाइलम फ्लोएम के बीच में। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर एक वेवी रिंग बनाते हैं, फॉर्म्स वेवी रिंग, वेवी कैम्बियल रिंग। और यही वेवी कैम्बियल रिंग क्या करेगा, बाद में चल के सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और जिसकी वजह से क्या होगी, जिसकी वजह से इसका गर्थ इंक्रीज करेगा, गर्थ क्या करेगा, इसका गर्थ इंक्रीज करेगा, यानी कि इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक पर, फ्रेशली फिर से देखिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर आपने देखा इस इपिडर्मिस वाले पार्ट में कि रूट हेयर क्या है, इपिडर्मिस का आउटग्रोथ है, और ये यूनिसेलर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके रीजन क्या है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ इंटरसेलुलर स्पेस है। उसके नीचे क्या है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद एंडोडर्मिस में हमने देखा टू टाइप्स के सेल्स है, कौन कौन से, कि एंडोडर्मिस में कुछ ऐसे भी सेल है जिसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी हुई है, यानी कि कुछ ऐसे सेल्स है जिनके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो वो क्या करेंगे, वो वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सुबिरिन का डिपोजिशन है, और सुबिरिन एक वैक्सीन मटेरियल होता है। उसके बाद जो वाटर की एंट्री को अलाउ कर रहे हैं उनको आपने बोला पैसिव सेल्स, तो ये आपने देखा एंडोडर्मिस में। उसके बाद आपने क्या देखा, यहाँ पर एंडोडर्मिस के नीचे आपने देखा उसका शेप भी देखा, बैरल शेप, सुबिरिन का डिपोजिशन देखा कि कैसा है, तो सुबिरिन है आपका टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स पे ये अरेंज है। उसके बाद हमने देखा इसका पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज यहाँ पर देखा है, यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है स्टील रीजन। अब स्टील रीजन कौन सा है, इस एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल को लेकर जितने भी हिस्से आएंगे आपके, वो सारे के सारे स्टील रीजन कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि एंडोडर्मिस को आप स्टील रीजन में काउंट नहीं करेंगे, सो एरियाज इनसाइड एंडोडर्मिस, ठीक है,
उसको आप बोलते हैं स्टीलर रीजन, वही यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है। स्टीलर रीजन में वैस्कुलर बंडल्स एंड पिट कंस्टिट्यूट, यानी कि पूरा का पूरा ऑल टिश्यूज ऑफ द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर। अब एंडोडर्मिस को हम यहाँ क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि एंडोडर्मिस ऑलरेडी कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में आएगा, वो स्टीलर रीजन में नहीं आएगा। स्टीलर रीजन में एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट, एंडोडर्मिस को छोड़कर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्टीलर रीजन। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको किसी भी जगह पे अगर कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर आप बताएं, कमेंट सेक्शन का यूज करें। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस तरह से इसमें कहाँ पर वैस्कुलर बंडल बन रहा है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल इसके डायार्क से टेट्रार्क भी हो सकते हैं, 2 से 4 तक हो सकते हैं, क्योंकि मोनोकॉट जब हम देखेंगे, मोनोकॉट जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वहां पर आप देख रहे हैं मोर देन 6 होगा, उसको आप कहते हैं पॉलीआर्क कंडीशन, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर पॉलीआर्क कंडीशन है, बहुत सारे जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने डिस्कस किया है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी मोनोकॉट रूट को लेकर, यानी कि अभी हमने डाइकॉट रूट देखा, डाइकॉट रूट में ये एक एक पॉइंट, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे फ्रेशली ड्रॉ करेंगे, है ना। एपिडर्मिस का रूट हेयर बनाएंगे, इसके फीचर्स लिखेंगे, यूनिसेलुलर है। कॉर्टेक्स का आप फीचर बनाएंगे, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेस है। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है। एंडोडर्मिस में पैसेज सेल कैस्पेरियन स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। वैस्कुलर बंडल 2 से 4 हो सकते हैं, यानी डायार्क या टेट्रार्क कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए मेंशनड है, ठीक है। अरेंजमेंट कैसी है, तो अगर आप जाइलम को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ जाइलम नजर आ रहा है, एक रेडियस पर सिर्फ जाइलम है, एक रेडियस पर सिर्फ फ्लोएम है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट, ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद प्रोटोजाइलम कहाँ है, अंदर की तरफ, ऐसे कंडीशन को हम मेंडार्क कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपने देखा पिथ बहुत ही कम होगा, उसके बाद हमने देखा कि कहाँ कहाँ के टिश्यूज मेरिस्टमेटिक हो रहे हैं अब, ठीक है, तो फ्लोएम के ऊपर, और इस तरह से किस तरह से उसने कैम्बियम रिंग बनाया है, यानी कि एक उसने वे भी कैम्बियम बनाया है, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब ये आपकी एनसीईआरटी की पूरी डिस्कशन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको आपको लग रहा है कि उनको शेयर करना चाहिए, उन तक आप ये वीडियोस जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट रूट को।